आरती, आदि मोहन के चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी प्रोटीन और विटामिन से भरपूर नाश्ते की रेसिपी, जिसे अगर आपने एक बार बना लिया तो घर में जो लोग पालक नहीं खाते हैं वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। बनाना भी बहुत आसान है। सुबह शाम नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में, या जब भी आपको कुछ नया सा नाश्ता खाने का मन करे उस टाइम पे आप इसे झटपट बना के सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पालक की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, पालक बड़ी। पालक बड़ी बनाने के लिए एक कटोरी मैंने ली है पालक, धो करके एकदम फाइन चॉप करके रख लिया है। अगर ग्राम से मेजरमेंट करें तो 100 ग्राम है। पालक बड़ी बनाने के लिए ये मैंने लिया है बड़े साइज का बाउल, तो इसमें हम डाल देंगे पालक को। आधा कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा, बहुत ही क्रिस्पी इससे हमारी पालक बड़ी बनके तैयार होंगे। आधा कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, इसे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी हमारे पालक बड़ी की। एक चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ व्हाइट वाले तेल, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। बड़ी को एकदम टेस्टी चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, आप इसकी जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि आज हम पालक का नाश्ता बना रहे हैं और पालक के नाश्ते में थोड़ा ध्यान से ही नमक डालें आप, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि पालक में भी मॉइस्चर है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है ये, अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो उस टाइम पे आप इस नाश्ते को बना के दें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसका हमें एक डो तैयार करना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें बेसन का यूज़ कर सकते हैं। इसे हमने एक डो की तरह तैयार कर लिया है। टोटल मैंने इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून पानी का ही यूज़ किया है। आज मैं इस नाश्ते को इस स्टीमर प्लेट में स्टीम करने वाली हूँ, तो इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप इसकी जगह पे कोई प्लेट या फिर थाली का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से सब तरफ ऑयल से ग्रीस करना है। अब ये जो हमने डो तैयार किया है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इस तरीके से सिलेंडर का शेप देते हुए रोल बना लेना है आपको, ये देखिए इस तरीके से, और इसे स्टीमर प्लेट में रख देंगे। दूसरा भी ऐसे ही सिलेंडर शेप देके तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है ये, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करें इसे, ये देखिए इस तरीके से। इसे हमने स्टीमर प्लेट में रख लिया है, तो एक बार स्टीमर को भी चेक कर लेंगे। गैस के ऊपर मैंने रखा है स्टीमर, और स्टीमर में मैंने डाला है 1 ग्लास पानी। आप स्टीमर की जगह पर कोई तपेली या फिर कढ़ाई का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये पानी भी हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है, तब इसके ऊपर हम रख देंगे ये नाश्ते वाली प्लेट। अब 10 मिनट के लिए कवर करके स्टीम होने देंगे बड़ी को। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। 10 मिनट हो गया है। ये मैंने लिया है नाइफ, और नाइफ की हेल्प से इस तरीके से हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए नाइफ में बैटर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बड़ी हमारी अच्छे से स्टीम हो चुकी है, तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और बड़ी के डो को बाहर निकाल के ठंडा होने देंगे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे हम एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाने देंगे, उसके बाद ही पीसेस कट करेंगे। ये जो बड़ी का हमने डो स्टीम करके रखा है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब इसके हम पीसेस कट करेंगे। और जब आप इसे कट करें तो ये एकदम अच्छे से ठंडा होना चाहिए, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, आधे आधे इंच के डिफरेंस में कट करना है इसे। सभी बड़ी के हमने पीसेस कट कर लिए हैं, और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये स्टीम हो चुका है। जब ये बड़ी का डो आपका अच्छे से स्टीम हो जाएगा तो एकदम परफेक्ट कट के तैयार होंगे। ये देखिए कहीं से बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे करने वाली हूँ सेलो फ्राई।
आप ये पालक पूरी को चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल। अब इसमें हम एक एक करके पीसेस रख देंगे और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। एक बार में जितनी आएंगी उतनी ही बड़ी को हम फ्राई करेंगे। और एकदम क्रिस्पी होने तक बड़ी को आपको ऐसे ही फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड से पहले फ्राई होने देंगे, उसके बाद ही पलटाएंगे। और गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, तभी आपकी बड़ी एकदम अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी होगी। 1.5 मिनट हो गया है तो एक बार सभी बड़ी को पलटा देंगे और दोनों तरफ से हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है आपको बड़ी को। अब दूसरे साइड से भी 1 से 1.5 मिनट के लिए बड़ी को ऐसे ही फ्राई होने देंगे और बीच बीच में आपको इसे पलटाते रहना है। बड़ी को हमने दोनों साइड से हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है, तो अब निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, कलर भी कितना बढ़िया आया है हल्का गोल्डन, तो निकाल लेंगे। और बाकी बची बड़ियों को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और बाकी बची हुई बड़ियों को भी हम ऐसे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर पालक बड़ी हमारे सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, बहुत ही क्रिस्पी बड़ी है और खाने में भी ये बड़ी इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार बना के खाएंगे। बच्चे हों बड़े सभी को पसंद आएगा, तो एक बार रेसिपी को ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।